स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करना है आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन। तो ये सिंपली मैं इसे ओपन कर देता हूँ। क्लिक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करके 9:16 का सेकंड वाला रेशो आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपका स्टेटस फुल स्क्रीन में बन जाए। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले मीडिया वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोई भी अपनी एक पिक सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ये वाली पिक। अब मुझे अपने स्टेटस को बढ़ाना है, 15 सेकंड का ही स्टेटस मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे इस फोटो को खींच कर 15 सेकंड। तो ये हो गया 10 सेकंड और ये हो गया 15 सेकंड। अब मैं इसे क्लिक करूँगा ओके पर। अब यहाँ पर आपको देख रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर सिंपली क्लिक करके अपने फोटो को पूरा पूरा जूम आउट करके कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। करने के बाद आपको सिंपली डन वाले बटन पर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। सिंपली आपको जाना है फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको मीडिया में जाना है और ये वाली फ़ोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये फ़ोटो आपको, ये टेम्पलेट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दे और सिंपली यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा, तो इसे मैं खींच कर जितना हमारा स्टेटस वीडियो बनने वाला है वहाँ तक इसे कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया है कुछ यहाँ तक इसे, अब सिंपली इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें फिर से लेयर वाले बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको जो एक PNG ऐड कर देनी है, तो मैं मीडिया पे जाऊंगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इस PNG का। तो ये PNG मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रखी। ये PNG पूरी वाइट है इसलिए हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कलर फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पर बेसिक कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट करके अब हमारे PNG पूरी वाइट ब्लैक में दिखाई दे रही है। तो इसे आप जहाँ चाहे वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हमें अपनी जितना अपना स्टेटस है उतना उसे बढ़ा लेना है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली और एक लेयर में जाना है और आपको ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने आपको, या मेरी लिंक से डिस्क्रिप्शन में मेरी जो लिंक है वहाँ से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सिंपली उस पर क्लिक करके इसे मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर छोटा है इसे एडजस्ट करने के लिए इस पर क्लिक करके ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से हम इसे डन करेंगे। डन करने के बाद आपको सिंपली उस पर ही क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली ब्लेंडिंग पे आपको सर्च क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर से हमें जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर, मीडिया पर सेलेक्ट करना है। अब हमें ये वाली फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर देनी है, तो ये मैं कर देता हूँ, ये वाली फ़ोटो ऐड कर देना है। और सिंपली हमें इसे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहली वाला को सेलेक्ट करके डन करते हैं। जितना हमारा स्टेटस है उतना इसको भी बढ़ा लेते हैं हम। तो बढ़ा लेने के बाद हमें जाना है वापस स्क्रीन पे, ब्लेंडिंग पे, और यहाँ पर हमें स्क्रीन पे सेलेक्ट करके इसे डन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपना स्टेटस। अब यहाँ पर आपको कुछ PNG ऐड करनी है, मूड या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर मैं सिंपली लेयर पर जाऊँगा, मीडिया पर जाऊँगा, चैनल, यहाँ पर मैंने एक PNG बना रखी है तो उस पर भी मैं क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो जितना आपका हमारा स्टेटस है उतना मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ। तो हमारा स्टेटस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा स्टेटस यहाँ पर बन चुका है। अब इसे सेव करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट वाले बटन पे, इस बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली पहले वाला वीडियो सेलेक्ट करना है, शेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जितने भी अपनी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो उतनी आप ये ऐप से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर HD में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप अपने वीडियो को देख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।